आप भी आईलेसेस लगाते हो तो कभी यहाँ से निकलने लग जाता है, एंड आधी शादी के बीच में ही, फंक्शन के बीच में ही आपके आईलेसेस निकल के आपके हाथों में आ जाती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही ईजी टिप्स एंड ट्रिक के साथ, जिससे आप अपना आईलेसेस लगाओगे तो जब तक आप निकालोगे नहीं आपके आईलेसेस, आपकी आंखों से नहीं निकलेंगे एंड काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाएंगे। अगर आप बैगिनर्स हो तो भी लग जाएंगे। किसको आईलेसेस लगाने में दिक्कत आती है उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ में लेकर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आज की बात से आईलेसेस लगाने में कोई दिक्कत ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, आईलेसेस आप खुद से इजीली अपने आप से लगा पाओ एंड अपना पार्टी फंक्शन इंजॉय कर पाओ बिना आईलेसेस निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा आईलेसेस यहाँ पे खींची गई है और ये है आईलेसेस का हाल, देख रहे हो। तो चलिए किस तरीके से आपको आईलेसेस अप्लाई करना है बताने वाली हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी आईलेसेस जो हैं वो आपकी आँखों के आईलेसेस से बड़ी तो नहीं है। तो हम पहले अपना आईलेसेस निकालेंगे इस तरीके से एंड, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक साइड हमारा बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है। जो छोटा होता है वो हमको इनर कॉर्नर पे लगाना होता है एंड जो बड़ा होता है वो हमको आउटर कॉर्नर पे लगाना होता है। तो आप अपने आईज के अकॉर्डिंग पहले इसको इस तरीके से करेंगे एंड यहाँ पे रख के देखेंगे कि ये बड़ा तो नहीं है हमारी आँखों के हिसाब से। तो ये ठीक है मेरी आँखों के अकॉर्डिंग, तो हम लोग इसको वापस ले ले रहे हैं। आपको हमेशा इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देना होता है, जिससे कि हमको इसको अप्लाई करने में दिक्कत ना आए और इजीली ये चिपक जाए। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है दोनों साइड से। अब लेना है आईलेसेस ग्लू, इसको ओपन करेंगे एंड आपको इस तरीके से डायरेक्ट इस पर नहीं अप्लाई करना है, आपको थोड़ा सा अपने हाथों पर ग्लू को ले लेना है। और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से इसके अंदर को चला गया है, तो उसको पहले निकाल लेंगे। तो इसको मैं ठीक करके फिर आती हूँ। पिन से चेहरा हुआ था जिससे इसका ग्लू निकल रहा था इजली, वह तभी ये ख़त्म हो गया। तो दोबारा से इस तरीके से हाथों में मैंने आईलेसेस ग्लू ले लिया है एंड इस पर इस तरीके से लगाएंगे। अच्छे से लगा लेना है। इस तरीके से इसके लगा लेना है। इसको 20 से 30 सेकंड के लिए छोड़ना है ताकि ये इजीली सूख जाए। उसके बाद आपको अपनी आईज पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो भी बता रही हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपको आईलेसेस को अप्लाई करना है। इस तरीके से मैंने ले लिया है। अब इसको अपनी ओरिजिनल आईलेसेस से चिपकाते हुए देखिए, यहाँ से हमको एकदम इनर कॉर्नर पे नहीं लगाना होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको आईलेसेस को रखना होता है। देखा आपने, मिलून मैंने बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, कॉर्नर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको अप्लाई करना है एंड ओरिजिनल आईलेसेस से मिला लेना है। अब ये जो हमारी आईलेसेस लगी है पूरी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा एंड लंबे टाइम तक टिका रहेगा। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आपको अपने आईलेसेस के बराबर इसको कट कर लेना है एंड उसके बाद अप्लाई करना है, फिर ओरिजिनल आईलेसेस के साथ चिपका देना है इस तरीके से पकड़ पकड़ के। और इनर कॉर्नर पे आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल इनर कॉर्नर से नहीं लेना है, थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर इसको अप्लाई करना है एंड आईलेसेस लगाने के बाद ध्यान रखिएगा हमेशा ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से कर्ल कर देना है, ओरिजिनल आईलेसेस के साथ चिपका देना है। ये देखिए कितना ईजिली मैंने यहाँ पे आईलेसेस लगा लिया है और बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली लग गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से आईलेसेस अप्लाई कर सकते हो खुद से पार्लर में जाए बिना, किसी की हेल्प लिए बिना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए सेकंड आईलेसेस को भी निकालते हैं एंड अप्लाई करते हैं।
अप्लाई करने से पहले आपको इसको थोड़ा थोड़ा सा कट करना है साइड से, और अगर ये बड़ा है आपकी आंखों से तो थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे। इस तरीके से करना मत भूलिए, इस तरीके से आपको करना है। देन इस पर ग्लू अप्लाई करना है, ग्लू लगाना है। और 30 सेकंड के लिए इसको छोड़ देना है ताकि ये जो ग्लू है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर इस तरीके से कर लीजिएगा साथ में भी। ईजिली आप इस तरीके से आई लैशेज को अप्लाई कर सकते हो। देखिए फिर से यहाँ से लेके जाएंगे, बिल्कुल इनर में नहीं लाना है, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए यहाँ से आपको इस तरीके से रखना है एंड चिपका देना है ओरिजिनल आई लैशेज के साथ। और फिर दोनों आई लैशेज को पकड़ के एक साथ इस तरीके से चिपका लेना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, जब भी आप आई लैशेज लगा रहे हो तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। मैं भी पहले इस तरीके की गलतियाँ करती थी, तो गलतियों से ही सीखता है आदमी। तो आपको हमेशा थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, क्योंकि आप अपनी ओरिजिनल आई लैशेज भी देखोगे तो बिल्कुल यहाँ से नहीं होती है, थोड़ा सा गैप छोड़ होती है लेकिन बहुत कम होती हैं, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के ही आपको अप्लाई करना है आई लैशेज। इसको हमेशा ऊपर की तरफ इस तरीके से कर्ल कर देना है। तो इस तरीके से आई लैशेज लगा लिया है मैंने। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आई होप कि पसंद आया हो। तो आई होप कि आपको आई लैशेज से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी सारी खत्म हो गई हो। फिर भी कोई डाउट रह गया, कुछ नहीं समझ में आया, आई लैशेज लगाने में दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। दोनों आई लैशेज मैंने आपके सामने लगाए हैं, कोई कट नहीं किया वीडियो में, कुछ फास्ट नहीं किया है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कुछ भी डाउट रह गया है, कुछ भी कमेंट नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग के लिए उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आ पाऊँ। आप इस तरीके से आई लैशेज अप्लाई करो, पूरी शादी में टिका रहेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और पूरा शादी आप इजीली इन्जॉय कर सकते हो आई लैशेज की टेंशन लिए बिना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। वीडियो में आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।